भी हमने उनका मास्क लगाने के लिए हमने कानून पास किया हुआ है, उनकी पालना करना शुरू करें। हमने कहा जी दो वैक्सीन 31 जनवरी से लगाना आवश्यक है, दो वैक्सीन, उसके बाद सख्ती की जाएगी। बिना वैक्सीन लगाए हुए एंट्री पॉइंट पे उनको रोका जाएगा। ये कई प्रदेश में अभी से कर दिया, केसेस बढ़ रहे हैं उन राज्यों में, कई जगह तो सैलरी बंद हो गई है, जो कर्मचारी नहीं लगवाएगा उस सर्वे में लगेगा। अगर पब्लिक में नहीं लगा तो उसको एंट्री मॉल में सिनेमा की शादियों में 200 लोग से ज़्यादा नहीं कहता करें, दास संख्या 50 लोग या 20 लोग, 25 लोग, इस प्रकार से हम चाहते हैं पब्लिक को समझ जाए। अगर ये ओमिक्रॉन बढ़ गया, अभी दुनिया में बहुत कम मृत्यु हो रही है, इससे कई तरह खबरें आ रही है, मैं कहना चाहूँगा ओमिक्रॉन भी जब संख्या बड़ी ज़्यादा हो जाती है तो पता नहीं कब अपना रूप बदल दे। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कई बार जो आर ओ वैल्यू होती है, जिससे कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, वो वैल्यू ज़्यादा है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है और वो अपना म्यूटेंट बदल सकता है। कल मैंने मीटिंग बुलाई है तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की भी, धर्मगुरुओं की भी, एनजीओ की। पहले भी जब प्रथम लहर आई थी तब भी हमने सबको इग्नोर किया था, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। प्रदेशवासी सभी लोग, चाहे वो एनजीओ के हैं अथवा नहीं भी हैं, आम नागरिक भी जुड़ सकता है और सब मिलके हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मुझे कहते हैं घर रहकर उस पर जाते हैं कोई भूखा नहीं सोना, बल्कि सरकार ने भी उनको 5 किस्तों में 5,500 रुपये दिए, MLA ने अपने फंड से पैसे दिए, NGO आगे आए, खाना पका हुआ कच्चा खाना पहुंचाया। तो राजस्थान की जो परंपरा मानी जाती थी उसको सिद्ध कर लिया प्रदेशवासियों ने। इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए, प्रदेशवासी खुद भी लॉकडाउन में आगे आए और कोई तकलीफ नहीं। तो राजस्थान के अंदर सब जगह नगर निगमों से, नगर परिषदों से रेन बसेर अच्छे बने हुए, अभी हम देख रहे शानदार रेन बसेर आया जिनको शानदार गद्दे मिले हुए हैं, रजाई अच्छी बनी हुई है, तीन तीन दिन पे धुलके आती है, ऐसी अच्छी व्यवस्था अगर रेन बसेर में हो तो मैं समझता हूँ कि लोगों को संतुष्टि मिलती है, अच्छी व्यवस्था की हुई है। जयपुर की शोहरत है और राजस्थान की शोहरत है, चाहे इलाज का मामला हो, तब भी आपने देखा होगा कि तमाम पड़ोसी राज्यों से, अभी जो बता रहे थे भाई UP से आ रहे थे, कोई UP से, कोई दिल्ली, महाराष्ट्र, अपने मध्य प्रदेश, हरियाणा से भी, यहाँ सब लोग, चाहे वो कोरोना हुआ था तब भी और बिना कोरोना भी यहाँ पर बराबर लोग आते हैं और मैं उनसे भी जानकारी प्राप्त करता हूँ। चिरंजीवी के लिए आपने लोगों से बातचीत करी है कि योजना प्लान? चिरंजीवी योजना तो शानदार है, 5 लाख रुपए तक की, तो जिससे मैंने बात की उसको भी उसने रजिस्ट्री करवा रखा था, तो करीब करीब लोगों तक पहुँच रही है। बाकी जो बच गए हैं उन तक हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति, एक परिवार भी बाकी नहीं रहे, तमाम परिवारों को 5 लाख का बीमा मिले कैशलेस। बहुत शानदार योजना है, पहले दवाएं फ्री, ये टेस्ट फ्री, अब 5 लाख तक भी प्रदेशवासियों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए है ये, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। पैसे वाले हैं तो 850 रुपये और वो भी कोई नहीं देने की स्थिति में, कोई देने की स्थिति में नहीं है, उनका क्या मूड है धर्मगुरुओं का, उसके आधार पर हम फैसला करेंगे कि सबकी राय से फैसले होते हैं तो लागू अच्छे ढंग से होते हैं और पब्लिक का साथ भी मिलता है। हम चाहते हैं कि सबको पूछ करके फैसले करें। थैंक यू सर।